हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ बिहार कास्ट सर्वे तो देखिए है क्या, इसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। ऑन अक्टूबर 2, द बिहार गवर्नमेंट पब्लिश द बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 विच शोज द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBCs एंड अदर बैकवर्ड क्लास OBCs टुगेदर एड अप टू नियरली 63% ऑफ द 13 करोड़ पॉपुलेशन। तो 13 करोड़ में 63% तो आपके बैकवर्ड क्लासेस ही हैं, चाहे वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हो चाहे अदर बैकवर्ड क्लास हो। मेकिंग इट द लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप इन द स्टेट, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हु बिलोंग टू द ओबीसी कुर्मी कास्ट 2.87% एंड हैज नर्स्ड द EBCs एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस फॉर हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल हैज फर्स्ट रेज द डिमांड ऑफ अ स्टेट कास्ट सर्वे इन 2019। ठीक है, हाउ डिड इट केम अबाउट, द बिहार लेजिस्लेचर अनएनिमसली पास द रेजोल्यूशन एग्रींग टू कास्ट सेंसस ट्वाइस, फर्स्ट ऑन February 18, 2019 एंड देन ऑन February 27, 2020। ऑन August 23, 2021 द ऑल पार्टी डेलीगेशन इंक्लूडिंग द भारतीय जनता पार्टी वेंट टू दिल्ली टू मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अर्ज हिम टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस इन द कंट्री। हाउएवर व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट लेटर सेड दैट द लोकसभा दैट हैज अ मैटर ऑफ पॉलिसी इट हैड डिसाइडेड नॉट टू इन्यूमरेट अ कास्ट वाइज सेंसस, द बिहार गवर्नमेंट इन June 22 इशूड अ नोटिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग अ कास्ट सर्वे इन द स्टेट ऑन इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली एलोकेटेड 500 करोड़ फ्रॉम इट्स कंटीजेंसी फंड फॉर द एक्सरसाइज। द टू फेज काउंटिंग एक्सरसाइज वॉज कम्प्लीटेड इन ऑगस्ट दिस ईयर इन्वॉल्विंग अराउंड 2.64 लाख एन्यूमरेटर्स डॉक्यूमेंटिंग डिटेल ऑफ द 29 मिलियन रजिस्टर्ड हाउस होल्ड्स ऑल 214 कास्ट मेंशंस इन द सर्वे फ्रॉम वर अलोकेटेड डिफरेंट इंडिविजुअल कोड्स एंड द सर्वे वॉज सेगमेंटेड इंटू 17 पॉइंट्स टू फाइंड आउट द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन। तो आप देखिए, यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी गए तो उन्होंने बोल दिया लोकसभा के रूल में ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करें और करना भी नहीं चाहिए। खैर, इन्होंने अपने कंटीजेंसी फंड में से 500 करोड़ रुपए निकाल के बोला कि हम तब हम ही करवाएंगे, तो इन्होंने करवाया। और आप देखिए, 214 कास्ट उसमें मेंशन थे और उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। वॉट आर द आउटकम ऑफ द सर्वे, द सर्वे शोज दैट EBCs with 1112 caste comprise the largest chunk of the population of state population in the state with 36.01% shared with 29 caste and 27.12% share. The OBCs are the second largest contingent of the population. The Yadavas with 14.26% share is the dominant caste in the OBC group. The scheduled caste population is pegged at 19.65% while the number ऑफ द जनरल अनरिजर्व पॉपुलेशन वॉज 15.52। तो आप देखो, इनका पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा है और अनरिजर्व पॉपुलेशन भी कम है। विल द रिपोर्ट लीड टू एन इंक्रीज इन रिजर्वेशन कोटा इन बिहार, तो क्या इससे रिजर्वेशन कोटा इंक्रीज होगा। येस, द रिजर्वेशन कोटा विल बी इंक्रीज इन स्टेट एज पर द पॉपुलेशन प्रपोर्शन विच हैज कम आउट इन द सर्वे रिपोर्ट सेड रूलिंग कोएलिशन अलायंस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल RJD चीफ लालू प्रसाद, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो ये चीज़ उन्होंने बोला है, ग्रेटर द पॉपुलेशन ग्रेटर द शेयर, लालू प्रसाद यादव ने बोला है। सेट द रूलिंग ग्रैंड अलायंस पार्टी लीडर वाइल द अपोजिशन लीडर बीजेपी लीडर्स डब द सर्वे एज एन आई वॉश एंड द फेक एंड फॉल्टी, द सेंसस रिपोर्ट इज लाइकली टू पेव द वे फॉर द पॉलिटिकल डिमांड ऑफ गोइंग अवे विद द 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन इम्पोज बाय सुप्रीम कोर्ट। विद द जनरल इलेक्शन जस्ट मंथ्स अवे द कास्ट सर्वे of Bihar has impacted the BJP hopes to electorally cash in on Women Reservation Act. The Congress has already demanded there should be OBC reservation within the quota of women. The BJP, which had earlier supported the caste survey in the state, seem to be now caught in a dilemma. Party leader said they were not opposed to caste survey, but तो यहाँ पे आप देखिए, ये politics की बात हो रही है, हमें नहीं मतलब। Political expert believe that the caste survey report would weaken हिंदुत्व फोर्स। तो हिंदुत्व फोर्स यहाँ पे वीकेंड होगी इन द अपकमिंग इलेक्शन इन द कंट्री एंड द स्टेट एज वेल। द सर्वे रिपोर्ट हैज ट्रिगर्ड अ नेशनल डिबेट ओवर द कास्ट कंपोजिशन एंड इट्स शेयर इन नो पार्टी कैन अफोर्ड टू इग्नोर इट नाउ, सेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट नवाल किशोर चौधरी इन पटना। इट विल लीड टू रिवाइवल ऑफ मंडल वर्सेज कमंडल, बैकवर्ड वर्सेज फॉरवर्ड पॉलिटिक्स इन द स्टेट्स, सेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट।
देखो जो चीजें मतलब जबरदस्ती इन लोग को मंडल वर्सेस कमंडल, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड करता है, हमें तो ये सब नहीं करना, ये अपने लेवल पे कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके रेडिकलाइज हो जाएंगे और फिर वैसी ही उल्टी सीधी चीजें होंगी। विल दिस लीड टू मोर वेलफेयर स्कीम? क्या वेलफेयर मिलेगा इन लोगों को जो नाच रहे हैं? देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ऑन द फील्ड, द सर्वे रिपोर्ट वुड डेफिनेटली फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज टू अनाउंस एंड इनिशिएट मोर वेलफेयर स्कीम फॉर द पुअर एंड द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। द ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स मेकअप 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द स्टेट। तो आप देखिए 15% ही अनरिजर्व यहाँ पे बचते हैं। हाउ कैन एनी पोलिटिकल पार्टी इग्नोर देयर वेलफेयर? तो 85% वोट को कोई कैसे लात मार सकता है, यही कहा जा रहा है। द बीजेपी लीडर इन द स्टेट सेड देयर पार्टी हैज ऑलवेज बीन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स फ्रॉम अ ओबीसी ग्रुप। नाउ इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दोज लाइक चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हु हैड कार्व्ड आउट द ईबीसीज फ्रॉम ओबीसी अंडर ए सोशल इंजीनियरिंग प्लान टू रिमेन इन पावर अनलेस ही गिव्स ईबी गिव्स द ईबीसी रियल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड द असेंबली एज वेल। तो यहाँ पे वही है, उनको रिप्रेजेंटेशन दो इलेक्शन में, तभी उनके जीतने के चांसेस होते हैं। हाउएवर रूलिंग कोएलिशन पार्टी लीडर्स मिस्टर नीतीश कुमार, आरजेडी, लालू चीफ लालू प्रसाद, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हैव सेड दैट दे वुड रिव्यू द वेलफेयर स्कीम अनाउंस इन द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन, व्हाट इज नीडेड विल डेफिनेटली बी डन दे सेड। तो ये उल्लू बनाने का काम हुआ हुआ रहा है इन लोगों को, किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं देखो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उन लोगों को कुछ नहीं है, उनको बस चाहिए वोट। ये सारी चीज़ें अब इन लोग को याद आ गया, अरे वेलफेयर भी करना है, अरे ये कास्ट वाला निकाल दो, हमारे कास्ट वाले वोट दे देंगे। मतलब ये बेवकूफ़ी, मतलब क्या यार, इसीलिए इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा है ढंग से। सिग्निफिकेंटली द गवर्नमेंट इज येट टू रिलीज द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द पीपल सर्वेड, दे हैव सेड दैट इट वुड बी रिलीज ड्यूरिंग द अपकमिंग विंटर सेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो चलिए देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे पहले आपका ये कास्ट बेस्ड सर्वे होता है, दूसरा वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट निकालेगी इनके लिए, चाहे स्टेट हो चाहे आपके लोकल हो, थर्ड आप देखिए मंडल वर्सेस कमंडल। कमंडल माननीय आप जो ब्राह्मण अपने हाथ में जल रखते थे कमंडल, इसलिए वो अपर फॉरवर्ड क्लास हो गए। मंडल कमीशन आप जानते हैं बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो हमें मंडल कमीशन जानना है। और फोर्थ आप देखिए यहाँ पे और हमारे लिए क्या हो जाता है, ठीक है, और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बस डेटा। आप देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 85% जो है वो आपके ओबीसी प्लस ईबीसी प्लस एससी प्लस एसटी हैं, 15% जो है आपके अनरिजर्व्ड है, ठीक है। 50% जो रिजर्व्ड कोटा है, 50% जो रिजर्वेशन कोटा है, क्या ये एक्सीड होना चाहिए या नो एक्सीड, ये आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से क्या है। और बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतनी जरूरी था जानना। सो थैंक यू गाइस एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।